दोस्तों आईपीएल 2024 के सीजन की शुरुआत में अब काफी कम दिनों का समय बचा है और अब सभी आईपीएल टीमों ने अपनी तरफ से आईपीएल के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। और अब आईपीएल शुरू होने से पहले सभी आईपीएल टीमों ने अपने नए कप्तान और वाइस कप्तानों के नाम बीसीसीआई को सबमिट कर दिए हैं। मैं आपको इस वीडियो में सभी 10 टीमों के नए कप्तान और वाइस कप्तानों के नाम बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी टीमों ने अपने कप्तान और वाइस कप्तानों में बदलाव किया है। तो आपके लिए यहाँ पर यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर वॉच करना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए तो प्लीज हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना और चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको क्रिकेट से जुड़े तमाम अपडेट्स की वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहे। तो अब हम बात करते हैं आईपीएल 2024 के सीजन के लिए सभी टीमों के कप्तान और वाइस कप्तानों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीएसके की। तो चेन्नई की टीम के लिए आईपीएल 2024 के सीजन में एमएस धोनी कप्तानी करेंगे, लेकिन यहां पर वाइस कैप्टन के तौर पर अब ऋतुराज गायकवाड हमें सीएसके की टीम में नजर आएंगे। ऋतुराज गायकवाड के वाइस कैप्टन बनने के बाद अब ये हिंट मिलता है कि सीएसके की टीम ऋतुराज गायकवाड को अपने फ्यूचर कप्तान के तौर पर देख रही है, जहां पर एमएस धोनी का आईपीएल का ये लास्ट सीजन होने वाला है और एमएस धोनी के रिटायरमेंट के बाद अब ऋतुराज गायकवाड हमें सीएसके की टीम की कैप्टेंसी करते हुए दिखने वाले हैं। इसके बाद अब हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम की। तो दिल्ली कैपिटल्स के टीम के लिए ऋषभ पंत हमें आईपीएल 2024 के सीजन में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे और डेविड वॉर्नर हमें वाइस कैप्टन के रूप में नजर आएंगे। तो दोस्तों ऋषभ पंत इस साल यहां पर आईपीएल में कमबैक करेंगे, जहां पर पिछले साल ही अपनी इंजरी के चलते हुए आईपीएल नहीं खेल पाए थे और डेविड वॉर्नर को दिल्ली की टीम की कप्तानी करनी पड़ी थी, लेकिन इस बार यहां पर ऋषभ पंत पूरी तरीके से रिकवर होकर अब आईपीएल में वापसी करेंगे और यहां पर इस टीम की कप्तानी भी करते हुए हमें नजर आएंगे। इसके बाद अब हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं मुंबई इंडियंस की टीम की। तो मुंबई के लिए हमें यहां पर हार्दिक पांड्या कप्तानी करते हुए नजर आएंगे और वाइस कैप्टन के तौर पर हमें सूर्य कुमार यादव नजर आएंगे। तो इस साल यहां पर रोहित शर्मा हमें मुंबई की टीम के लिए कप्तानी करते हुए नहीं दिखने वाले हैं, इस साल हमें यहां पर हार्दिक पांड्या मुंबई की टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद अब हम चौथे नंबर पर बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम की। तो राजस्थान की टीम ने अपने कप्तान और वाइस कप्तान में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं किया है, जहां पर पिछले साल की तरह एक बार फिर से संजू सैमसन हमें राजस्थान की टीम की कप्तानी करते हुए दिखेंगे और वाइस कैप्टन के तौर पर हमें जॉस बटलर नजर आएंगे। कोई भी बदलाव राजस्थान की टीम ने अपने कप्तान और वाइस कप्तान में नहीं किया है। इसके बाद अब हम पांचवें नंबर पर बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की। तो लखनऊ की टीम ने एक बार फिर से केएल राहुल को अपनी टीम में कप्तान बना रखा है और वाइस कैप्टन के तौर पर क्विंटन डिकॉक एक बार फिर से हमें लखनऊ की टीम में नजर आएंगे, जहां पर पिछले साल केएल राहुल की कप्तानी में लखनऊ की टीम ने प्लेऑफ्स में जगह बनाई थी। तो काफी शानदार केएल राहुल की पिछले साल कप्तानी रही थी। इसके बाद अब हम छठे नंबर पर बात करते हैं गुजरात टाइटंस की टीम की। तो गुजरात के लिए हमें इस बार शुभमन गिल कप्तानी करते हुए नजर आएंगे और वाइस कैप्टन के तौर पर हमें केन विलियमसन गुजरात की टीम में अब नजर आएंगे। तो हार्दिक पांड्या के अब मुंबई में जाने के बाद गुजरात की टीम ने शुभमन गिल को अब अपनी टीम का नया कप्तान बना दिया है। तो इस साल यहां पर गुजरात की टीम ने अपने कप्तान और वाइस कप्तान में बदलाव कर दिया है। वैसे दोस्तों आप सभी कमेंट करके बताइए कि शुभमन गिल की कप्तानी में क्या गुजरात की टीम अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी या फिर नहीं। इसके बाद अब हम सातवें नंबर पर बात करते हैं पंजाब किंग्स की टीम की। तो पंजाब के लिए एक बार फिर से शिखर धवन हमें कप्तानी करते हुए नजर आएंगे और वाइस कैप्टन के तौर पर हमें सैम करन पंजाब की टीम में नजर आएंगे। तो पिछले साल की तरह शिखर धवन हमें एक बार फिर से पंजाब की टीम की कप्तानी करते हुए दिखने वाले हैं। इसके बाद अब हम आठवें नंबर पर बात करते हैं आरसीबी की टीम की। तो आरसीबी के लिए फैफ डू प्लेसिस हमें कप्तानी करते हुए नजर आएंगे और वाइस कैप्टन के तौर पर विराट कोहली हमें इस टीम में नजर आएंगे, जहां पर पिछले साल फैफ डू प्लेसिस के चोटिल हो जाने के बाद विराट कोहली हमें आरसीबी की टीम की कप्तानी करते हुए नजर आए थे। तो एक बार फिर से हमें यहां पर विराट कोहली आरसीबी में बतौर वाइस कैप्टन खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद अब हम नौवें नंबर पर बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की। तो हैदराबाद की टीम ने अब यहां पर इस साल अपने कप्तान में बदलाव कर दिया है, जहां पर अब पैट कमिंस हैदराबाद की टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे और अब यहां पर वाइस कैप्टन के तौर पर हमें एडन मार्करम इस टीम में नजर आएंगे। तो अब वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को हैदराबाद की टीम ने अपनी टीम का भी कप्तान बना दिया है और एडन मार्करम जो कि पिछले साल तक इस टीम के कप्तान हुआ करते थे, वो अब इस टीम के यहां पर आईपीएल 2024 के सीजन में बतौर वाइस कैप्टन हमें खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद अब हम 10वें नंबर पर बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की। तो कोलकाता के लिए श्रेयस अय्यर हमें एक बार फिर से कप्तानी करते हुए दिखेंगे और वाइस कैप्टन के तौर पर हमें यहां पर नीतीश राणा इस टीम में नजर आएंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहां पर सभी 10 टीमों के अब कप्तान और वाइस कप्तानों के नाम कंफर्म्ड हो चुके हैं। वैसे आप सभी कमेंट करके बताइए कि आपके अकॉर्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी टीम का कप्तान है। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर देना।